देख सकते हैं कि बाइक की रैली निकाली गई विवियाना मॉल से थाना से, और वो रैली वहाँ से घूमते हुए थाना से होकर और कलवा मुंबरा होकर यहाँ पर कैंपस स्कूल के सामने जो है समाप्त हुई है। और हम जानते हैं ड्रग्स के बारे में लोगों ने क्या मैसेज दिया। आइए। हाँ सर, बताइए कि आपके दिल में ये रैली का जो है मतलब किस तरीके से आया ये जो रैली है, ये रंदे बसंती के नाम से ऑल ओवर इंडिया में आज ही के दिन 70 सिटीज में हो रही है, और ये हमारी राइडिंग कम्युनिटी की एक कोर कम्युनिटी है जो चंडीगढ़ से हम लोग करते हैं। तो उन्होंने अपने को महाराष्ट्र में अपने को दिया था रॉयल विंग्स को कि आप लोग ये राइड करो, क्योंकि आप देखो कि आजकल ज़्यादा करके नॉर्थ में तो यहाँ से ज़्यादा ड्रग्स का प्रॉब्लम चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे सब ड्रग्स ले रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े मतलब पैसे वालों के घर के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, गरीब के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये ऑल ओवर इंडिया में प्रॉब्लम हो यार, अपने मुमरा में मैंने इसलिए किया है कि यहाँ मुमरा में जागरूक करने के लिए कुछ प्रोग्राम होते नहीं है ड्रग्स के लिए जी। तो जरूरी है ये ड्रग्स के लिए, और हमने ये जो 500-600 बाइक इसलिए अंदर डाली कि पब्लिक देखेगी रस्ते पे कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आई, ये जैकेट पहन के लोग कैसे है, ये कौन है, हेलमेट के नीचे कहाँ से आए, क्या इनकी पोस्ट है, क्या है, एक उनको भी जागरूक था। और सबके पास प्ले कार्ड था, फ्लैग था ड्रग्स के खिलाफ, हमने रखा था। कहाँ कहाँ से लोग आए थे इसके अंदर? इसके अंदर नासिक से आए थे, बैंगलोर से आए थे, वापी से आए थे, और तुम्हारा भुसावल से आए थे लोग, और मुंबई, न्यू मुंबई, पनवेल, विरार, वसई, जितने इतना के क्लब्स थे वो सब इस टाइम फर्स्ट टाइम इतने क्लब्स के लोग इस प्रोग्राम में थे। टोटल कितनी बाइक थी इसमें? इसमें नियरली 530 प्लस थे। अच्छा, इसमें हमने सोचा था कि 250 आएगी। अच्छा, लेकिन जब दो दिन पहले जब हमने रजिस्ट्रेशन का खोला तो उसके अंदर 470 उसी दिन थे, तो दो दिन पहले 470 थे और कल हमने खोला है तो 530 रजिस्टर हो चुके थे, और नियरली मैं बोलता हूँ कि और भी 20-25 बाइक तो अलग से आए। थैंक यू। आपने देखा होगा शिल्पा ने लगता किया, लेकिन आनंद शिंदे ने भी लगता किया है, इसका नाम कहीं नहीं आया है। थैंक यू। आपने देखा होगा शिल्पा ने लगता किया, लेकिन आनंद शिंदे ने भी लगता किया है, इसका नाम कहीं नहीं आया है। थैंक यू। और नेक्स्ट इज सचिन द बैटल बॉय। आज जो बाइक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी रॉयल विंग्स की तरफ से, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो समाज की तरफ से कुछ ये ड्रग्स फ्री करने के लिए कुछ तो पहलियत कर रहे हैं, उनकी तरफ से लोगों को संदेश देना चाह रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें पकड़ रही है, लेकिन जो बच्चे इस पुलिस के अंधेरे में रख के जो काम कर रहे हैं, उनको ये समझ आनी चाहिए कि ये ड्रग्स कितना खतरनाक है, और अपनी सेहत के लिए और अपने देश के लिए कितना खतरनाक है। ये अवेयरनेस लाना जो रॉयल विंग्स की तरफ से हो रहा है वो बहुत अच्छा काम है, उनका मोटिव बहुत अच्छा है। आज के माहौल में ये सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है, जिसके वजह से देश को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है, यूथ बहुत इसमें स्पॉइल हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई तो कर रहे हैं, जो ड्रग्स पेडलर्स हैं या मगलर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी जो छुपे चोरी छुपे काम चलता है ये अवेयरनेस के सिवा रुकने वाला नहीं है। जब तक पब्लिक में और यूथ में अवेयरनेस नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं, जब तक खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा तो स्मगलर्स भी नहीं रहेंगे। उस हिसाब से ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अवेयरनेस रॉयल विंग्स ला रही है। बाइक रैली को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी पुलिस डिपार्टमेंट मुंबरा पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैडम, अभी की जो जनरेशन है, अभी की जो युवा पीढ़ी यहाँ पर है, नए जनरेशन जो भी है लड़के लोग, यहाँ पर बहुत ड्रग्स वगैरह का यहाँ और ड्रग्स का डील भी होता है यहाँ पर, आप इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं शिल्पा, मैं पुणे से आई हूँ, स्पेशली रंग दे बसंती राइड के लिए आई हूँ। जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें बहुत टारगेट किया जाता है ड्रग्स के लिए, ड्रग्स का फैलाव बहुत ज़्यादा है, यूथ बहुत ज़्यादा ड्रग्स कंजम्पशन कर रही है, और जिसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है इस नए भारत के लिए। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि से नो टू ड्रग्स, जो कोई मतलब जो कोई भी आपको मिलेगा ड्रग्स माफिया वगैरह होगा तो प्लीज़ आप रिपोर्ट कीजिए, जिस वजह से हमारी जो नई पीढ़ी है, यूथ है, वो सभी बच जाएंगे और एक नए भारत के लिए एक अच्छा संदेश हम लोग देंगे कि ड्रग्स का कंजम्पशन बिल्कुल भी मत करो।
क्या मैसेज देना चाहते हैं ये रैली जो है रंग दे बसंती रैली आप लोगों ने निकाला और ये कहाँ से निकाले और कहाँ तक और या इसमें कौन कौन लोग आए थे? 24 मार्च के दिन शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इनकी शहादत का दिन है और उसको याद करते हुए हमने सारे यूथ को क्लब किया है, जमा किया और एक अवेयरनेस, एक लोगों में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स बहुत कितनी हमारे लिए नुकसानदेह है। आज हमारी नई जनरेशन जो है अगर वो ड्रग्स में चली जाती है तो हमारा फ्यूचर करके बहुत ख़राब है। आज कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देश की मजबूती के लिए हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत ज़ोरदार एफर्ट लगा के बोलना पड़ेगा, आवाज़ लगा के कैसे नो टू ड्रग्स। सर ये मुहिम के तहत हमने आपके दिल में ये ऐसा कैसे आया कि ये चीज़ को एक राइडर के टाइप से लिया जाए, नशा जो है राइडर का होना चाहिए ड्रग्स का नहीं? हमारी राइडिंग कम्युनिटी जो है वो हर स्टेप बाय स्टेप एक 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 कॉस्ट पे इस तरीके की राइड्स करती है। इसके पहले हमने किया है सेव वाटर सेव रिवर एंड सेव लाइफ और बहुत सारे कॉजेस को लेकर के हम राइड्स करते ही रहते हैं। इसी तरीके से अभी ड्रग्स का एक इतना ज़्यादा वो हो गया है तो ये हमारे हायर प्लानिंग में और उसको हमने आज के दिन के लिए रखा स्पेशली शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु और कि अगर हम आज इस मुहिम में अगर कामयाब होते तो ये हमारी तरफ से उनकी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। मैडम आपने जो रैली निकाली इसके बारे में कुछ बताएंगे? अपनी बाइक रैली क्यों निकाली गई और नशा मुक्ति के लिए जो निकाली गई है ये इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? वेल आई एम वीना शेट्टी फ्रॉम बैंगलोर, फाउंडर ऑफ ग्लोइंग राइडर्स। सो आज रंग दे बसंती राइड विल बी इट्स अ राइड अगेंस्ट ड्रग्स। सो वी बेसिकली वांट टू प्रमोट सेइंग डू नॉट डू ड्रग्स नो मैटर व्हाट, पिक अप सम अदर पैशन, गो ऑन, डोंट डू ड्रग्स। So I have a small message for all our rider friends. We are very disciplined riders, so we generally help people. That's our motto. There are so many other things in life. It's one life. To get into problems, it's very hard to come out of it. I do counsel people, so I know how difficult it is to come out of it. So pick up something else that's your passion. Focus on your health. Focus on something else. Talk with people who are doing drugs. Then counsel them. It's not an easy task. It can definitely take a very long time, but do not give up. Today Royal Wings has organized this ride. Abdul Bhai from Royal Wings, the founder of Royal Wings, has organized this ride and I've been invited to this ride to lead the ride from Roy sir. So it's a very nice privilege to be meeting with someone to serve the country. And thanks to Abdul Bhai for initiating this purpose. That's about the ride. Thank you so much. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सोहन रॉय हूँ, वेटरन इंडियन आर्मी। आज इस राइड के लिए निमंत्रित किया गया था मुझे, मैं पूना से आया हूँ। ये रंग दे बसंती राइड, एक तो मैं रॉयल विंग्स को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये तीन महापुरुष जो अपने देश के आज़ादी के लिए बलिदान दिया और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए कल के दिन, भगत सिंह। तो हमें इन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए और दूसरा इन्हीं के साथ जोड़ते हुए जैसे नो टू ड्रग्स किसी भी तरीके का हो, चाहे अफीम हो, चाहे चरस हो, चाहे कोई चीज़ हो, उनसे दूर रहना है। और अगर कोई ड्रग के शिकार में आ गया है तो उसका सहारा देके उसको काउंसलिंग करके उसको इस खराब आदत से बचा के निकालना है। उसी तरह मैं कहूँगा जो मोहल्ले अपने इलाके में इधर अगर हमें पता लगता है कोई ड्रग्स का व्यापार कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है बच्चों को, तो बहुत पैसा है उसकी तो लेने का आदत कर रहा है, तो हमें सख्ती से उनके ऊपर आना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को खबर करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को। पुलिस हमारे देश में इतना नहीं है कि हर गली मोहल्ले वगैरह में नज़र रखवाए, हम लोगों का भी जिम्मेदारी होता है कि हम पुलिस को खबर करें। और ये राइडिंग कम्युनिटी का मैं बहुत आभार हूँ,
देख रहा हूँ जो ये उनका जोश है और इन चीज़ों के लिए, चाहे रोड सेफ्टी रैली हो, चाहे हेलमेट अवेयरनेस के लिए रैली हो, चाहे ये ड्रग्स के लिए रैली हो, हमारा जो राइडिंग ब्रदरहुड है ये एक कॉल पे सारा इस कॉज के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं युवा पीढ़ी से ये बताना चाहता हूँ कि अपना देश का भविष्य अभी आपके हाथ में है और ये देश आज चल पड़ा है, बहुत ऊपर जाना है इस देश में, देश ने, और ये देश उठने वाला नहीं है। ये जो अभी हिंदुस्तान का नाम निशान सब कुछ आगे चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है आगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश के लिए मन लगा के हर चीज़, कोई भी काम करते हो उसमें पूरा मन लगा के और देशभक्ति के साथ इसको आगे बढ़ाते रहे अपने देश को, क्यों कल का भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य जो है वो अभी मेरे उम्र के लोगों के हाथ से दूसरी पीढ़ी चली गई थी, उसी तरह अगली पीढ़ी से आएगा तो हमारे बच्चे और होने वाले बच्चों को उनका मद्देनज़र ख्याल रखते हुए काम करना। रंगदे बसंती, आज ये जो इवेंट हम लोग रॉयल विंग की तरफ से यहाँ जो मुंबरा में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, करीबन 400 के करीब करीब राइडर्स लोग आए हैं जो राइडिंग कम्युनिटी के और बहुत प्रेमी हैं राइडिंग के लिए। सर, ये कहाँ से निकाली गई रैली? ये रैली निकाले हम लोग विवानी मॉल से, सुबह 8:30-9 बजे वहाँ से निकाले, सीधा वहाँ से होके कौसा आया है, ये साइड पे खड़े हैं सब लोग। अभी यहाँ पे हम लोग ये रैली का जो मेन कॉज क्या है, रंगदे बसंती इनकलाब अगेंस्ट ड्रग्स के खिलाफ हम लोग ने एक मुहिम छेड़ी है, और राइडिंग कम्युनिटी ने ये मुहिम छेड़ी है कि आजकल की नवी जो युवा पीढ़ी जो है इनको पता नहीं है, ये लोग बहुत जल्दी बात में आ जाते हैं, कोई भी इनको बना सकते हैं कि ये करो इससे ऐसा होता है। मुंबरा में ज़्यादा ऐसा ज़्यादा है, सही बात है, तो इन लोग बहुत जल्दी ये चीज़ में आते हैं। तो ये युवा पीढ़ी को समझाने के लिए हम लोग ने इवेंट रखा है। हमारे राइडर ग्रुप में भी बहुत युवा पीढ़ी लोग हैं, यंगस्टर्स है जो ये राइड के लिए क्रेजी है, तो इनको भी हम लोग समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है, इसे ना करो, इससे कोई किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही नुकसान है। और हम लोग दमन से आए हैं, हमारे 11-15 राइडर लोग आए हैं, इसमें हमारे फीमेल राइडर्स लोग भी है, पिलॉन्स भी है, तो हम लोग ये इवेंट के लिए स्पेशल हमारा मुंबरा में सेलिब्रेट किया, अफजल भाई और अशोक भाई की तरफ से ये स्पॉन्सर किया गया है रंगदे बसंती। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि बस युवा पीढ़ी को एक छोटी सी सलाह देंगे, ये चीज़ को सीधा मना कर दो, से नो टू ड्रग्स, इनकलाब चिंता। थैंक यू। आज नशा मुक्तीचा संदेश देत रंगदे बसंती 2019 इथं हजेरी लावली, आपण बघू शकतो की इनकलाब अगेन्स्ट ड्रग्स जरा।